भाई सीरत ने की अंगद के नजदीक जाने की कोशिश, तो इस बार लगा दी मनवीर और साहिबा ने सीरत के ग्लास। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरियां के आने वाले ट्रैक में बहुत सी चीजें होने वाली हैं, जिसको लेकर फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आजकल सीरत को लेकर काफी तमाशे चल रहे हैं। अब सीरत जो है वो भी जसलीन की बातों पर चल रही है, और जसलीन को तो आप जानते हैं कि वो साहिबा अंगद के बीच में सीरत को यूज करके अंगद को बहुत बुरा बनाना चाहती है। तो चलिए भाई बताते हैं क्या इन प्लान्स में जसलीन कामयाब होगी। भाई दोस्तों, सबसे पहले आज आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से सीरत जो है अकेले रूम में बैठी होती है, जहां उसे वो याद आता है कि कैसे सबके सामने उसने अंगद को गले लगा लिया था। अब वहीं पर बेबे आती है, और बेबे जो है वह सीरत को बहुत सी बातें समझाती है, साथ ही गैरी को फटकार लगाती है कि जो आज अंगद ने सीरत के लिए किया वो तुझे करना चाहिए था, तू कैसा इंसान है। तभी जसलीन जो है किसी न किसी तरह से बात को संभाल लेती है, लेकिन उसके बाद गैरी और सीरत की खूब लड़ाई होती है, जहाँ गैरी जो है सीरत के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाता है। अब वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे साहिबा, मनवीर और अंगद खड़े हैं, वहीं पर सीरत पहुंच जाती है। अब जैसे ही सीरत जाती है तो अंगद वहां पर रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, और ये सारा सीन जो है मनवीर देख लेती है, जिसके बाद मनवीर सीरत को खूब सुनाती है, साथ ही वो साहिबा को बताती है कि सीरत ने क्या हरकत की है। वो कहती है ये तुम्हारे पति के आसपास मंडराती रहती है, तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिबा जो है वो भी शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद साहिबा जो है सीरत को खूब सुनाती है और कहती है दी आपको क्या इतनी अक्ल नहीं है, जब किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं, क्या आपको नहीं पता कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। इस चीज पर सीरत का मुंह बन जाता है, सीरत रोते रोते बेचारी कुछ बोलती नहीं है। वो इतना ही कहती है कि वो सिर्फ अंगद को थैंक यू कहने आई थी। तभी अंगद जो है वो सारी बातों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब हॉल में वही सीरत जा रही होती है, जसलीन उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। फिर उसकी तो आदत ही है कि राय का पहाड़ बनाने की, और फिर वो वही करती है, पूरे परिवार के सामने तमाशा क्रिएट कर देती है। साथ ही जसलीन सीरत का साथ भी लेती है और कहती है कि अरे इसने तो पूरे परिवार की इज्जत बचाई और आज सबके सब इसी पर भड़क रहे हैं। तो वहीं पर आप देखेंगे साहिबा ये सारा तमाशा देख ही रही होती है कि भाई पुलिस आ जाती है। अब प्रोमो में भी आप देख सकते हैं कैसे पुलिस जो है भाई अकाल सिंह ब्रार यानी कि दास जी को पकड़ने आए हैं, जिसके बाद सबके सब हैरान हैं, क्योंकि दास जी के खिलाफ किसी ने पुलिस कंप्लेन करवाई है। और जब जसलीन पुलिस से पूछती है, वो पेपर्स लेती है और एक वीडियो उसके हाथ लगता है, तो वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि साहिबा का है, जिसमें साहिबा दास जी के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। वैसे ये किसने किया है, कैसे किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।